स्कॉलरशिप ट्यूटर अब एनएमएमएस की तैयारी होगी जोरदार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर आप एनएमएमएस परीक्षा 2024 से 25 सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने सर्च किया होगा इसके लिए कि सर ये क्या रियल पेपर है हम लोगों का, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि यूट्यूब पर जितने सारे वीडियोज़ आप देखते हो तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको रियल पेपर दे दे। वो अथॉरिटी से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो मूर्ख बनना आप बंद कर लें। मैंने ऐसा थंबनेल इसलिए दिया ताकि आप लोग क्लिक करें और समझें कि ये रियल नहीं है चीज़ें। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई आपको रियल पेपर नहीं दे सकता। बस मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद, आपको सेट के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे इससे 100%, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग ये फील भी करेंगे इसका महत्व परीक्षा में, और काफ़ी डिटेल में अच्छे से आपको बताया जाएगा ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सेट का पेपर आज देख लेते हैं। पहले पार्ट में 90 मार्क्स का वेटेज होता है इसका, तो 90 के 90 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली अपने प्रश्नों के साथ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सेट में आपके सबसे पहले विज्ञान से, साइंस से आपके कितने प्रश्न रहते हैं, 35 प्रश्न रहते हैं। आपको पता होगा अभी तो 10 नवंबर को यूपी में एग्जाम है, काफ़ी सारे स्टेट्स में एग्जाम है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। और मैथ में आपका कितना होता है, मैथ में गणित विषय में आपके 20 नंबर के प्रश्न रहते हैं। और सोशल साइंस से आपके कितने होते हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से आपके 35 प्रश्न। तो टोटल 90 मार्क्स का ये वेटेज रहता है। और दूसरे पार्ट वीडियो में जल्द ही हम लोग मैट के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्नों के साथ। ये विज्ञान के प्रश्न है और सामाजिक विज्ञान के, ये पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें तो याद करने की चीजें हैं। तो आपको याद होगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और आप देख रहे होंगे पीडीएफ में टिक लगा हुआ है, तो ये एक स्टूडेंट का टिक है, पिछले साल पेपर हुआ था इसका, तो उसी का पेपर है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस टिक पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसका बताइएगा। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इधर देख सकते हैं, कीट भक्षी पौधा इनमें से कौन सा है। कीट भक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जिसके ऊपर जैसे आप हाथ रखेंगे या उसके अंदर हाथ रखेंगे तो वो तुरंत लपक लेगा, आपको अंदर कर लेगा। तो ऐसे पौधे भी होते हैं, है ना, जो कीड़े उस पर बैठे ही हैं उसके अंदर, तो वो बंद कर लेगा और उसको खा जाएगा। तो कीट भक्षी पौधे के उदाहरण इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो ये घटपर्णी होता है जिसको पीचर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त क्या है, कौन सा किस तरह का उत्तक है, ये संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक या तंत्रिका उत्तक। तो आप किस चीज से याद रख सकते हैं रक्त को, देखिए संयोजी, संयोजी मतलब क्या होता है, संयोजक कौन होता है, जो कि एक दूसरे से चीजों को जोड़ता है, तो वो संयोजक होता है, यानी कि कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इससे याद रख सकते हैं आप, रक्त तो पता है ना आपको कि पूरे शरीर में फैला हुआ है, हमारे लाल होता है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो एक संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, बाह्य निषेचन किन में होता है। निषेचन, निषेचन का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन, जब नर और मादा का ये आपका स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करता है तो उसको निषेचन करते हैं उस प्रक्रिया को। और बाह्य निषेचन का क्या मतलब है कि बाहर, जैसे मछलियां मान के चलिए अंडे देती है तो वो फर्टिलाइज होता है, उसमें निषेचन होता है बाहर की तरफ। तो बाह्य निषेचन मनुष्य में तो नहीं होता है, कुत्ते में भी नहीं होता है, आपने देखा होगा गाय में भी नहीं होता है, तो किस में होता है, मेढक में होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमर बेल किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से। अमर बेल का पौधा आपने देखा होगा गाँव घर में, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो, ये किस तरह का उदाहरण है, ये परजीवी का उदाहरण है। अमर बेल का पौधा क्या होता है, कस्क्यूटा, जो होता है किसी भी पौधे पर लग जाएगा ऊपर और उसी से वो ये पोषण अपना लेता है अंदर, तो अमर बेल परजीवी का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड की कुल कितनी हड्डी होती है। वर्टिब्रल कॉलम, जो पीठ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वो मेरुदंड है आपका, तो उसमें कुल कितनी हड्डी होती है, याद रखिएगा 33 हड्डियां होती है कुल, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है। टाइफाइड, जैसे आजकल हमने देखा था कि कोरोना वायरस आया, कोविड-19, तो वो वायरस एक
सूक्ष्म जीव है उसी के कारण हुआ था। तो उसी तरह से टाइफाइड बोलते हैं ना, टाइफाइड का बुखार हो गया किसी को, तो ये बीमारी किसके कारण होती है, किस सूक्ष्म जीव के कारण? तो टाइफाइड की बीमारी जो होती है आपकी वो जीवाणु के कारण होती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कॉलेरा, टाइफाइड, पैरालिसिस, ये सब आपका किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है। जैसे हम लोगों का ऊर्जा ग्रह क्या है, पावर हाउस होता है हम लोगों का, वहां से बिजली आती है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहाँ है जहां से ऊर्जा बनती है? तो ये मान के चलिए कोशिका है, तो उसके बीच में एक क्या होता है, कोशिकांग होता है, न्यूक्लियस होता है ना। और इस तरह का स्ट्रक्चर, उसमें इस तरह का रचना, संरचनात्मक इकाई होती है ऐसी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एनर्जी बनता है, ऊर्जा ग्रह है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए अभी। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, पादपों में जल का परिवहन किस में होता है? तो पेड़ पौधे जो है उसमें जल कैसे पहुंचता है? जैसे मान के चलिए आपको पता होगा कि मान के चलिए ये पेड़ है, तो ये जड़ है पेड़ का, ठीक है, और ऐसा कुछ मना लेते हैं पेड़। तो इसमें देखिए, जड़ से पानी तो अंदर लिया गया है पौधे के द्वारा, लेकिन वो हर एक जगह पर कैसे पहुंच जाता है, किसके द्वारा? तो इसका काम कौन करता है? जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। देखिए ये बच्चे ने गलत लगाया है, फ्लोएम कैसे होगा, फ्लोएम कब होगा? फ्लोएम जैसे मान के चलिए क्या काम करता है, ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जाइलम पानी पहुंचाता है, और पेड़ पौधों में जो खाना बनता है, जैसे ये पत्तियां, तो पत्तियों में पता होगा आपको क्लोरोफिल वर्णक होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण वो खाना बनाती है। तो पत्तियों में खाना बनाने के बाद वो दूसरे जगह पहुंचाती है, पेड़ पौधों के हर एक जगह पे, जर भी जाना है, ऊपर भी जाना है, नीचे सारी जगह पे खाना पहुंचाना होता है। तो वो काम होता है किसका? फ्लोएम का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जाइलम, क्योंकि यहाँ पर जल का परिवहन करना है। हमारा अगला, थोड़ा सा रुकना जरा, आप मुझे बस एक मिनट का समय दो, जिसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एनएमएमएस के सारे स्टूडेंट्स में आप रफ्तार तरीके से सबसे आगे निकलोगे। अभी अभी एनएमएमएस का फ्री टेस्ट देने के लिए स्कॉलरशिप ट्यूटर ऐप अपना डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेस्ट दे सकते हो वहाँ पर फ्री में, जिसमें आपको अपना रैंक भी शो होगा। तो अभी डाउनलोड करें स्कॉलरशिप ट्यूटर ऐप, और इसके साथ एक रफ्तार बैच है जिसमें आपको एनएमएमएस की बेस तैयारी कराई जाएगी। बैच के अंदर आपको 10 दिनों में एनएमएमएस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, 10 डेज चैलेंज एनएमएमएस प्रिपरेशन, उसके साथ मैट और सेट का कंप्लीट सिलेबस करने के साथ आपका टेस्ट होगा वीकली, उसके बाद लास्ट में हर स्टेट के स्पेशल लाइव क्लास एग्जाम डेट से 10 दिन पहले कराए जाएंगे। उसके बाद हर क्लास के बाद SW क्वेश्चन, उसके साथ आपको NMMS के पिछले सालों के प्रश्न के PDF आंसर की के साथ बैच में ही अवेलेबल रहेंगे। अभी वीडियो मिली है तो आप बहुत लकी हो, अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप रफ्तार बैच 10% ऑफ के साथ मात्र ₹55 में। अभी जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन जंतु अंडे देते हैं, है ना? सबसे पहले देखिए, पेगोलिन, प्लेटिपस, मंगूज और पोशम, ये सारी चीजें याद करने की चीजें। ये चारों जो है मेमल्स है, स्तनधारी जीव है, लेकिन प्लेटिपस एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है जो अंडे देती है ना। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ऑर्निथोरिंकस भी कहा जाता है। वैसे छोड़िए, आप प्लेटिपस याद रखेंगे तो काफी है आपके लिए। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो किसका जड़ जो होता है वो नीचे तक होता है और उसमें खाना उसका स्टोर रहता है, तो वो गाजर होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? नर यहाँ पे मान के चलिए ओवम है फीमेल का, नारी का ओवम, और यहाँ पर एग जिसे बोल सकते हैं, और मेल का स्पर्म, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं, आपस में युग्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये गणित का प्रश्न है आपका, देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, काफी सारे बच्चों से नहीं बनेगा, अगर आपसे बन सकता है तो रुकिए, आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे हल होगा ये प्रश्न, तो दिए गए चित्र में ओ देखिए यहाँ पे सेंटर है, तो उसको कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक नियम आपको मालूम होना चाहिए, जैसे एंगल कैसे देखते हैं, तो एंगल देखिए कौन सा एंगल लिया है, एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर कौन सा है, जिनको नहीं पता है, देखिए यहाँ पे जो बीच में एंगल होता है, जैसे पी और आर के बीच में क्यू है बीच में, तो क्यू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी
क्यू और आर, तो बीच वाला एंगल क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर यानी कि ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है, ये एंगल जो है आपका वो कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, है ना। तो एक नियम आपको पता होना चाहिए सब, और क्या पूछा है, एंगल पी एस आर, ये एंगल कितना होगा हमारा, है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक नियम मालूम होना चाहिए कि कोई भी आपका सर्कल है, ठीक है, तो एक आर्क है, तो आर्क देखिए ये यहाँ पर एक आर्क है, है ना, और ये हमारा एक आर्क है। तो यहाँ पर सर्कल जो है, मान के चलिए यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे 70 डिग्री का अगर कोण बन रहा है, यहाँ पे अगर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर पर यानी कि बीच में जो है वृत्त के केंद्र में उसके दोगुना एंगल बनता है। तो 70 यहाँ पर है, 70 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 70 का दोगुना 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे निकालना क्या है, एंगल पी एस आर, तो ये एंगल निकालना है मुझे, एंगल पी एस आर, तो ये कैसे निकलेगा। तो अगर आपसे पूछता ये कि 70 डिग्री यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो केंद्र में तो 140 उसका डबल हो जाएगा। अगर दिया रहता है यहाँ पर 140 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो उसका आधा, तो 70 डिग्री, लेकिन हमसे पूछ रहा है ये एंगल, तो इसको निकालने क्या करेंगे, ये कितना है मेरा, ये कितना है 140 डिग्री, पता होगा ये हमारा कितना है 140 डिग्री, अभी हमने निकाला यहाँ पर एक नियम से, तो आपको पता होगा ये पूरा अगर घूम जाए तो ये कितना डिग्री होता है, ये होता है 360 डिग्री। तो आप 360 डिग्री में क्या घटाना है हमको, ये ऐसे देखिए ये एंगल हमको निकालना है, तो ये पूरा घूम जाएगा सर्कल, तो 360 में आप 140 माइनस कर लीजिए, 360 में 140 घटाइए तो क्या आएगा, 220 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 220 डिग्री, ठीक है, 220 डिग्री। तो ये एंगल जहाँ देखिए केंद्र में जितना एंगल है उसका आधा क्या होगा, ये होगा, ये एंगल जो हमको निकालना था उसका आधा, केंद्र में जितना एंगल 220 है उसका आधा होगा, तो 220 का आधा क्या होगा, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री इसका आंसर होगा। कुछ इस हिसाब से बनाया जाता है सवालों को। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो। यहाँ पे देखो आप, जैसे केंद्र में यहाँ पर 70 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ पर 140 बन रहा था, तो इसका इससे रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये एंगल अगर निकाल लेंगे हम, ये कोण निकाल लेंगे इसका, केंद्र में ये कोण जो है वो इस कोण से रिलेशन रखता है, तो केंद्र में ये जैसे 2x होगा, तो ये उसका आधा x हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, देख लीजिएगा एक बार फिर, इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। सबसे पहले इसके लिए माध्य निकालना आना चाहिए। माध्य कैसे निकाला जाता है, मीन यानी कि माध्य, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकालना, है ना। अब मैं आपको बात करूं कि एग्जांपल देता हूं आपको सिंपल सा, जैसे देखिए एग्जांपल क्या दूं, ये तो काफी सिंपल सा सवाल है। जैसे देखिए 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं तो एक से शुरू होती है, तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है, जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको आपस में जोड़ लीजिए, और कितनी संख्याएं टोटल हैं, 10 टोटल संख्याएं हैं, संख्याओं संख्या कितनी है, 10 है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि आपके पास 3 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 5 रुपये हैं, फिर एक दोस्त के पास 2 रुपये हैं, तो एवरेज सबके पास लगभग लगभग कितना रुपया है, ये निकालने के लिए ये माध्य हुआ। इसका माध्य निकालने के लिए कैसे करेंगे, 3 रुपये आपके पास, 5 रुपये आपके दोस्त के पास, फिर एक दोस्त के पास 2 रुपये, तो एवरेज कितना है सबके पास, तो सबको जोड़ लीजिए, 5, 2, 7, 3, 10, और उसको कितनी टोटल आप कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तो 3 से भाग दे देंगे, तो इसका माध्य निकल जाएगा कुछ 3.33, मतलब लगभग एवरेज 3.33 रुपये है सबके पास, है ना। चलिए हमारा इसी तरह से बनेगा ये, 1 से 10 तक जोड़ लीजिए, तो 10, 9, 19, 18, 9, 8, 17, 27, 27, 28, 46, 40, 45, 45, 43, 44, 49, 49, 3, 52, 53, 12, 52, 54, 51, ठीक है, 55 आ गया हमारा, जोड़े तो टोटल जोड़ लीजिएगा, और टोटल संख्याएं कितनी है, 10 है, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5.5, 5.5 किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है,
तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, है ना। देखिए ये बच्चे ने गलत किया यहाँ पे, तो आपको गलती ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। ये सारे सवाल काफी महत्वपूर्ण है, तो आप गणित में बच्चों को प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, है ना, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग करें। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, वर्ग समीकरण इसका का मूल क्या होगा। तो इसका रूट निकालने आता है क्या आपका वर्ग समीकरण, देखिए आज सीख लीजिए अगर नहीं आता है तो, काफी महत्वपूर्ण है, हर बार सवाल आते हैं इसे। देखिए ये सवाल क्या कहता है, जैसे देखिए 7 माइनस एक्स का वर्ग बराबर कितना है x प्लस 1। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे रहना चाहिए, जैसे सिंपल सा ये कैसे दिखना चाहिए इक्वेशन। तो ये समीकरण कैसे दिखना चाहिए, ये ऐसे दिखना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, है ना। ये इसका नॉर्मल समीकरण है, यहाँ पर ए बी और सी कोई संख्या है, जबकि एक्स स्क्वायर एक्स और सी तो कांस्टेंट है, तो ये तो वेरिएबल है, और ए और बी और सी ये तीनों संख्याएं हैं कोई ना कोई, जैसे यहाँ पर देखिए 7 1, ये सब संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म में इसको ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। उसके बाद x को इधर ही रहने देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक है इधर, तो इधर 7 है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, ये आ गया। ऐसा करके देख लीजिएगा आप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, निकाल लिया हमने। ऐसे बराबर के इस पार उस पार करके देख लीजिएगा तो यही आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, है ना। अब दिमाग क्या लगाना है कि एक्स हमारा कैसे आएगा, इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, तो ऐसा कीजिए कि x आ जाए, तो 3x में अगर 2x घटा देंगे तो आपका x आ जाएगा, और 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो परफेक्ट ये ऐसा मैच कर गया। ऐसे आपको करना है कि इसको जोड़ने पर ये आए और इसको गुना करने पर -6 आए, है ना, संख्याओं में -6 आए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, तो x ही आएगा, तो लिख सकते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। अब कॉमन लीजिए, इसमें इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x है, तो x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर से x गया तो x, और 3x से x गया तो 3, ठीक है। अगर आप सही बना रहे हैं अभी तक, तो आपका क्या होगा कि उधर भी x प्लस 3 ही आएगा आने वाला जो है, तो यहाँ पर x प्लस 3 अपने मन से लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैसे आएगा यहाँ पे, तो 2x और -6 में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर -2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपका -2x से x कॉमन लिए तो -2x से -2 कॉमन ले लिए तो x बचा, -6 से 2 -2 ले लिए तो +3 बचा, तब तो यहाँ पर -2 × 3 -6 होगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, इतना समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x प्लस 3, x प्लस 3 अगर दोनों आ गए आपका सेम, मतलब आप सही जा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए आपका इजीली से बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x प्लस 3 गुने x माइनस 2, तो x प्लस 3 गुने x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि प्लस 3 आया तो 1 आएगा आंसर माइनस 3 में, और -2 आया तो आएगा +2 में आंसर। तो -3 और +2 किस में आया, देखिए यहाँ पे x प्लस 3 x माइनस 2 आया ना हम लोगों का, और कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ, साइन क्यों चेंज हुआ यहाँ पे, -3 और +2 आया, तो देखिए इस बच्चे ने फिर गलत किया यहाँ पे, आप गलती मत करना, -3 और 2 इसका आंसर आएगा। कैसे आया, x माइनस 3 को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 3 था ना, x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो आपका x के उस पार जाएगा प्लस 3, तो -3 हो जाएगा, -2 है तो उधर +2 हो जाएगा, इजी, है ना। और हाँ एक और आपको बात बताना चाहूंगा मैं,
हम लोगों का एक अपना एप्लीकेशन स्कॉलरशिप ट्यूटर आ चुका है, तो स्कॉलरशिप ट्यूटर एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, तो आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ज़रूर आप एक बार विजिट करिएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, और रफ्तार बैच आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप लेट नहीं हुए तो। पहले 50 बच्चों के लिए 10% डिस्काउंट है, तो ₹55 में ही आपको मिल जाएगा, स्पेशल लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिटेल वीडियो के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, और ये भी आपके गणित विषय से संबंधित है प्रश्न, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए x-1 × x-2 × x²-9x+14 / x-6 × x-7 × x²-3x+2, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत लग सकता है इसमें, लेकिन एक बार मेहनत करेंगे तो अब बेकार नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना ही होगा सीखने के लिए, है ना। x-1, अब इसको करते हैं x-1 × x-2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है x²-9x+14, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग फैक्टर इसका निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था ना कि x+3 × x-2, है ना, इसके जगह पे निकाला था हमने इसके जगह पे निकाल लिया था 7-x²-x+1, तो ये ऐसा इसको गुना करेंगे तो वैसा ही आएगा जैसे इसमें है, तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में निकाल लिया था, वैसे ही इसका भी निकाल लीजिएगा आप लोग x²-9x+14 × x²-3x+2 का, ठीक है। और इसका क्या आना चाहिए वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसका क्या आना चाहिए, इसका आपका आना चाहिए सॉल्व करने के बाद x²-9x+14 की जगह पे x-2 × x-7, ये आना चाहिए आपका आंसर, और x²-3x+2 की जगह पे आपका क्या आना चाहिए x-1 × x-2, है ना, ये आंसर आना चाहिए। और अब गुना करके आप लोग काट लीजिएगा तो आपका इजीली बन जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में ऐसे डिवाइड में जाएगा, तो x-1 से x-1 यहाँ पे गया, x-2 से यहाँ पे x-2 गया, है ना, फिर x-7 एक और है यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे देख रहे हैं ना x-7 यहाँ पे है, तो x-7 से x-7 गया, तो x-2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैंने आंसर बता दिया, वैसे आपका ये आना चाहिए, ट्राई कीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 107, इसको कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ पे। जब भी आपको ऐसा सिंपल सा देखिए, चलिए 25 का बताओ, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे लिखा नहीं जाता है, नॉर्मली अगर ऐसे है भी है तो वो आपका 5 आ जाएगा आंसर, वर्गमूल निकालना होता है। अगर आपका कोई भी संख्या है 125 है मान के चलिए, और उसमें ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या निकालना है आपका, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट, तो इसका 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है यहाँ पे, तो एक ऐसे करके लिखा गया है, और क्यूब रूट किसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे, -125 का भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा हमारा, है ना, और -5 और -2744, तो कम से कम अगर आपको मैं बोलूं तो अच्छा रहेगा कि 1 से 10 तक का घन कम से कम याद कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो -125 का -5 हो जाएगा, और -2744 को मुझे याद है 2744 का क्यूब रूट -14 होता है, तो क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पे 14×5=70, तो 70 आ जाना चाहिए आंसर यहाँ पे, देखिए बच्चे ने फिर गलत किया, 70 आएगा इसका आंसर, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना सिंपल सा प्रश्न था, तो ऐसे ही आपको हल करना है, याद रहेगा तो चुटकियों में हल करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे करके एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 3-3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 108, यदि x²+4x² का मान 6 है तो x³-1x³ का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इसको हल करने का तरीका काफी आसान है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कि x³+1x³ का मान क्या होगा, तो वो भी देखेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो x²+1x² का मान 6 दिया गया, तो अपने मन से हम क्या करेंगे, x-1x का स्क्वायर करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, माइनस ही क्यों ले रहे हैं, a-b का होल स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए x³-1x³ पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे,
यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस, तो x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पे x है, एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है वन बाय एक्स है, तो वन बाय एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू और a की जगह पे x और b की जगह पे एक बटा एक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा x और x कट गया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, छः दिया गया है, तो छः वैल्यू पुट कर देते हैं, छः माइनस दो बराबर कितना आ जाएगा चार। और यहाँ पे देखिए हम लोग कि एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख रहे थे, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर कितना आया हमारा, कितना आया चार आया। तो अगर यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे एक्स माइनस एक बटा एक्स का, तो यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर घन चढ़ जाएगा इधर वर्गमूल, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान कितना हो जाएगा, इधर से वर्ग हट गया इस पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका वर्ग है तो वर्ग हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ता है तो वर्गमूल चढ़ गया तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान दो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है हमारा, एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान आ गया हमारा दो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए काफी आसान है सॉल्व करना, आगे देखते हैं हम लोग, एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान कितना आया था हम लोग का दो, है ना। अब क्या करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग घन कर देते हैं, दोनों का घन करेंगे तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यहाँ पे एक्स है ए की जगह पे, तो यहाँ पर देखिए ए इसको मान लीजिए इसको बी, तो ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह पे वन बाय एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, माइनस थ्री ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वन बाय एक्स, तो कट गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, दो का घन करेंगे तो आठ आएगा, दो दिन चार दुनिया आठ। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, इसको तो कुछ नहीं करना है फिर, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब यही आ जाएगा, माइनस थ्री और एक्स एक्स तो वन बाय एक्स तो कट ही गया था, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का भी देखिए आप वैल्यू निकाले हुए हैं, एक्स माइनस वन बाय एक्स का दो आया था तो दो बराबर आठ, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब तो इधर ही रहने देंगे, डॉट डॉट लगा रहे हैं मतलब एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब इधर ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस छः आ जाएगा इसका, तो आठ माइनस छः इधर और बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस छः हो जाएगा, तो आठ प्लस छः कितना आ जाएगा चौदह, तो फोर्टीन आंसर आ जाएगा इसका, फोर्टीन किसमें है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप जरूर प्रैक्टिस करें, काफी इंपॉर्टेंट होगा। यही पर अगर पूछता कि एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, तो यहाँ पर प्लस करते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं ना, तो वैसे करते हैं, है ना। तो काफी ईजी सा क्वेश्चन था थोड़ा सा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बन जाएगा, हार्ड लग सकता है पहली बार लेकिन प्रैक्टिस कीजिए तो सब आसान लगेगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है संख्या, ये देखिए कितना आसान है, ये संख्या है कोई भी परिमेय संख्या है आठ बटा तीन, तो आपको पता होगा ना पी बटा क्यू फॉर्म में हो और क्यू जहां पर जीरो ना हो नीचे, तो वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या में जब भी अपरिमेय संख्या, रूट हंड्रेड सेवन एक अपरिमेय संख्या है, तो किसी में अपरिमेय संख्या अगर जुड़ जाए तो वो हमेशा अपरिमेय ही आता है, गुना भी करें फिर भी अपरिमेय ही आ जाएगा, किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या से अगर भाग दें तो फिर भी अपरिमेय ही आएगा, तो वैसा ही केस है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का एक बट्टा चार है, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या की अनुपात कितनी होगी। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको हार्ड लग सकता है बट ये हार्ड नहीं है। कैसे हार्ड नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ये वर्ग है मान के चलिए, और हमारा ये वृत्त है, ठीक है यहाँ पे साइड मान लीजिए इसका ए है और यहाँ पर इसका त्रिज्या रेडियस यहाँ पे कितना है इसका वृत्त का त्रिज्या आर है, आर मान लीजिए। तो दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है एक बट्टा चार है वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर ये है। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से इधर ले आते हैं,
ए स्क्वायर बटा, ये आर स्क्वायर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर पाई बटा चार। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा ए स्क्वायर है तथा वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा रहता तो आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कर दे, वर्ग की भुजा है तो ए स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या है तो आर स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है, तो उसका अनुपात कितना होगा, तो ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ए बटा आर का स्क्वायर दोनों का, तो क्या आ जाएगा पाई बटा चार। तो आपको पता होगा पाई अगर ये इधर वर्ग में है तो इधर ये हटेगा वर्ग तो ये वर्गमूल में चला जाएगा, तो ए बटा आर कितना आ जाएगा अंडर रूट पाए बटा दो, वर्गमूल चार का कितना होता है दो, तो रूट अंडर पाए बटा दो किसमें है, ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है बटा बाय भागा, तो रूट अंडर पाए बटा दो तो तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल था ये। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये एक्सपोनेंट वाला सवाल है, आपको पता रहना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ऐसा बनता है कि किसी भी पावर जीरो तो एक हो जाएगा, अगर 200,000 पे भी पावर जीरो दे दें तो वो एक हो जाएगा, आप पे भी पावर जीरो तो एक हो जाएगा वो, है ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न कैसे हल होगा। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पे, 2 की पावर -3 अगर करें तो क्या आ गया, 2 की पावर -3 का क्या मतलब है, यहाँ पे -3 लगा हुआ है तो इसको नीचे करना है, 1/2 की पावर 3 इसका मतलब ये होता है, ठीक है 1/8। ओके ठीक है, चलिए तो 2 की पावर -3 क्या आ जाएगा 1/8, और फिर -2 की पावर -3 कितना आ जाएगा, यानी कि 1/-2 की पावर 3, तो ये तो -8 ही आना है, तो -1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 1/1/8 -1/8 तो कट ही गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, 2 की पावर 0, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, किसी पे भी पावर जीरो हो तो एक ही हो जाता है वो, तो इधर तो 1/8 -1/8 तो ये दोनों तो कट ही गया। उसके बाद देखिए 2 की पावर 0 तो ये हमारा एक आ जाएगा, -2 की पावर -2 तो 1/2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार किसी चीज को गुना करेंगे तो वो तो पॉजिटिव में ही आता है, तो 1/4 -1/4 -3 गुने 2 की पावर -2 तो 1/4, तो यहाँ पे 1 - 1/4 कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 - 1/4 3/4 और -3/4 का ठीक है, तो 0 आ जाएगा, है ना। क्या आप अभी भी NMMS के लिए एक बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो सोचिए आपकी खोज यहीं खत्म होती है। आ गया है पूजा पब्लिकेशन का बेस्ट बुक, जिसमें न्यू पैटर्न पर बेस्ड आपको मिलता है 2010 से 2023 तक सारे PYQs यानी कि पिछले साल के प्रश्न हल के साथ, मैट और सेट का पूरा सिलेबस, और प्रैक्टिस के लिए 4300 से अधिक क्वेश्चन जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ NMMS मॉडल पेपर, वो भी 5, जिसके आधार पर हर साल प्रश्न आते ही आते हैं। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है 40% ऑफ पर मात्र 270 रुपये में, अभी खरीदें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, और ऐसे ही बैचेस में अच्छे से पढ़ाया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं हो सकती, आपको भी पता होगा, तो आप बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि प्राइस मैंने मिनिमम रखा है और आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मैं लूंगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि 3y + z 15 है, 3z + x इतना है, तो 3x + y, x + y, z का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में आता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका SW मैं देता हूँ ये, और इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए आपका चौथा ऑप्शन, नोमा। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वेशन बना के ऐसे जोड़ के देखिएगा कि आपका बन जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी, देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, यदि आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर
और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ठीक है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने पर, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा? थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लंबाई को क्या मान लेते हैं, एल लेंथ, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, ब्रेथ, ठीक है। और आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होती है, है ना, याद रखिएगा। चलिए तो कैसे हल होगा ये प्रश्न, ये सबसे पहले ये देखते हैं, यदि आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर, चलिए तो वैसे तो एल गुने भी होता है, लेकिन यहाँ पर 3 मीटर बढ़ रहा है तो एल से लंबाई को 3 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर चौड़ाई को 4 मीटर कम कर देने पर, वैसे तो नॉर्मली बी होता है लेकिन यहाँ पर 4 कम कर रहे हैं इसमें, चलिए तो 4 कम कर दिया तो उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी कि क्या होगा कि वर्ग मीटर कितना कम होगा इसका, 72 वर्ग मीटर एरिया लिख लेते हैं या एल भी लिख सकते हैं, इसको एरिया ही लिख लेते हैं, चलिए तो एरिया कितना हो जाता है, एरिया इसका 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ए माइनस 72, ये इक्वेशन बना इसमें पहला। और दूसरा क्या है, लंबाई 1 मीटर कम कर देने पर, लंबाई 1 मीटर कम कर रहे हैं इस बार, लेंथ 1 मीटर कम, ठीक है, और चौड़ाई वैसे बी होता है लेकिन इस बार चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा रहे हैं तो बी प्लस 4, तो फिर क्या हो रहा है उससे क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 88 वर्ग मीटर बढ़ रहा है, तो ए प्लस 88, ऐसा कुछ बन रहा है ना इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आ जाएगा, और कैसे आएगा देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि एल माइनस 1 बी प्लस 4, और तो इसको गुना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा शायद, मुझे लगता है, ठीक है, तो इसको आप लोग गुना करिएगा तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ आपको क्या आएगा गुना करने पर। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ आएगा गुना करने पर आपका, और ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको एल बी ले लेते हैं, एरिया, एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे इसको एल बी लिख सकते हैं, एल बी, एल बी, क्योंकि गुना करेंगे तो ये कटेगा बाद में जाके। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए, आपको गुना तो करने आता होगा, एल प्लस 3 को बी माइनस 4 से गुना कीजिए, तो ऐसे नहीं कि एल को बस इसे, सबसे पहले गुना करने का क्या तरीका है, प्लस 3 को आप भूल जाओ, L को B माइनस 4 से गुना करो, पहले L को B माइनस 4 से गुना करेंगे तो एल बी माइनस 4L, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम L को भूल जाते हैं, चलो 3 से मतलब है बस हमको, प्लस 3 से, तो प्लस 3B, प्लस 3B माइनस 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 3B माइनस 12 कितने, किसके बराबर है, एल बी माइनस 72, एल बी माइनस 72, तो एल बी और एल बी इधर उधर जाएगा तो कट ही जाएगा, है ना। चलिए तो ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन बना है, माइनस 4L प्लस 3B माइनस 12 बराबर माइनस 72। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनस 4L, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 4L प्लस 3B किसके इक्वल होगा, माइनस 72, और माइनस 12 उस बार जाएगा प्लस के, तो प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 72 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 0 माइनस 50, माइनस 60 हो जाएगा, सॉरी माइनस 60 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है हमारा। तो दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करना होगा, ये इक्वेशन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे हल होगा, यहाँ पे अगला इक्वेशन देखिए, L माइनस 1 B प्लस 4 को ऐसे गुना कर दिएगा एल बी प्लस 88 से, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका इक्वेशन बन जाएगा आपका एल बी प्लस 4L माइनस B और माइनस 4 बराबर एल बी प्लस 88, तो एल बी तो चला जाएगा इसमें, तो 4L माइनस 4L ये भी चला जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन ऐसे गुना करिएगा तो क्या बनेगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लॉन्ग टाइप का है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो टाइम देना ही होगा इसके लिए, मैट का पोर्शन भी हम लोग जल्दी लाने वाले हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। पहला इक्वेशन हम लोगों का क्या बना था, पहला इक्वेशन हम लोगों का बना था
एल प्लस तीन गुने बी माइनस चार करने पे एल बी माइनस चार एल, एल बी माइनस चार एल प्लस थ्री बी माइनस बारह बराबर एल बी माइनस बहत्तर, ऐसा कुछ आया था। देखिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या आएगा गुना करने पे, एल बी एल माइनस एक और बी प्लस चार को गुना करने पे एल बी प्लस चार एल माइनस बी माइनस चार बराबर क्या आ जाएगा एल बी प्लस अठासी। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, मैं क्यों इसको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर एल और फोर एल जोड़ेंगे तो कट जाएगा, एल बी और एल बी तो कटा हुआ है इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा थ्री बी, थ्री बी को क्या करेंगे यहाँ पे, थ्री बी को बी से, थ्री बी और माइनस बी क्या हो जाएगा आपका थ्री बी माइनस बी टू बी, और माइनस बारह और माइनस चार माइनस सोलह बराबर किसके हो जाएगा माइनस बहत्तर प्लस अठासी, तो कितना आ जाएगा सोलह। तो आपका कितना आ जाएगा ये प्लस सोलह है ना, माइनस बहत्तर प्लस अठासी प्लस सोलह, तो माइनस सोलह बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस सोलह, तो दो बी बराबर कितना आ जाएगा बत्तीस, और तो ब्रेथ कितना आ गया आपका सोलह, ब्रेथ कितना आ गया सोलह, तो लेंथ आपका कितना आ जाएगा, लेंथ निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में दे सकते हैं कि यहाँ पे टू बी, टू बी माइनस लेंथ वैसे आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो, तो ब्रेथ हमारा 16 आ गया है ना, ब्रेथ हमारा कितना आ गया फाइनली 16 हमारा ब्रेथ आ गया। और लेंथ निकालने के क्या कर सकते हैं, लेंथ निकालने के लिए इक्वेशन में हमको पुट करना होगा, तो इक्वेशन में पुट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस चार एल, माइनस चार एल प्लस थ्री बी, थ्री बी यानी कि अब तो बी की जगह पे 16 आ गया, तो 48 माइनस 12 बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तो हमारा नहीं पता, ब्रेथ तो पता है 16 एल माइनस 72, तो ऐसा कुछ करके इक्वेशन निकाल लीजिएगा, तो आपका लेंथ कितना आ जाएगा 27 और ब्रेथ कितना है आपका 16, तो 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा 27 माइनस 16 आपका आ जाएगा 11 मीटर इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन कोई नहीं, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कि यदि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है तो उसके प्रत्येक अंतःकोणों की माप कितनी होगी। तो देखिए कोई भी समभुज है तो उसके भुजाओं के आधार पर उसके आंतरिक कोण निकाले जा सकते हैं, अंतों कोणों का माप क्या फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है आपका n माइनस दो, एन यहाँ पे क्या है सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो n माइनस दो को 180 से गुना करेंगे और उसमें n से भाग दे देंगे यानी कि जितना साइड है, तो यहाँ पे देखिए एन की जगह पे आप पाँच पुट कीजिएगा, तो पाँच माइनस दो तीन, तीन को 180 से गुना कीजिए यहाँ पे, और टोटल हमारा कितना है साइड पांच संख्याएं हैं भुजाओं की, तो पांच, तो इसको गुना कीजिए तो पांच 36 आ जाएगा, पंते 15 तीन जीरो पाँच 36 36 दिया कितना आ जाएगा 108, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन इसने गलत किया है, गलत नहीं होना चाहिए ये इससे, है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, कमेंट लिखिएगा कि मज़ा आ रहा है, मज़ा तो बिल्कुल आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये सभी, थोड़ा सा मैथ टफ पोर्शन होता है लेकिन आप बना सकते हो, टफ इसको मानो नहीं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की ओर कम हो रही है, यदि गांव वर्तमान 5760 संख्या है उसमें जनसंख्या, तो दो वर्ष के पूर्व जनसंख्या कितनी थी उसकी। तो ऐसा कीजिएगा आपकी 5760 का सबसे पहले आप 4% निकाल लीजिएगा, कितना होता है जितना आएगा उसको सबसे पहले इसमें जोड़ देना एक बार, ठीक है, उसके बाद तो उस मतलब 4% पहले ज़्यादा होगा पिछले साल, और उससे पिछले साल भी ये जोड़ने पे जितना आएगा संख्या एक्स आया तो उसका भी 4% निकालिएगा, फिर इसमें इतना जोड़िएगा तो एग्जैक्ट आपका 6250 मिल जाएगा संख्या, ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल ये,
ये आपका प्रश्न नंबर 117 SW क्वेश्चन हो गया। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसका फैक्टर निकालने का। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता कितनी होगी। जैसे मान के चलिए मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ जैसे सिक्का उछालता हूँ तो हेड आने की संभावना कितनी है। एक ही सिक्का है, या तो हेड आएगा एक बार या टेल आएगा, है ना। तो हेड आने की प्रायिकता तो टोटल कितना, जितना आ सकता है, तो जो फेवरेबल मेरा आउटकम है, जो चाहते हैं हम हेड, तो वो तो एक ही बार आ सकता है। टोटल कितना आ सकता है, दो बार आ सकता है, कुछ भी दो आ सकता है कोई चीज़, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड चाह रहे हैं हम तो एक ही चीज़ चाह रहे हैं, तो 1/2 प्रायिकता होगी इसकी। उसी तरीके से एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे की लड़की होने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पे देखो कोई भी बच्चा है, किसी का बच्चा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कितना केस बन सकता है। या तो एक पहला बच्चा बॉय हुआ, दूसरा गर्ल, बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल, और या तो पहला बच्चा गर्ल हुआ, दूसरा बच्चा बॉय, तीसरा हो सकता है कि दोनों बच्चा बॉय हो गया, है ना, चौथा हो सकता है कि दोनों बच्चा लड़की हो गई। तो टोटल कितना आ सकता है, चार आउटकम आपके बन सकते हैं, या तो लड़का हुआ फिर लड़की, लड़की भी पहले, या लड़का फिर लड़का लड़का, या फिर लड़की लड़की। हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों बच्चे क्या हो, लड़की हो, है ना। तो ये तो आउटकम मेरा तो एक ही है, एक रिजल्ट हम चाह रहे हैं, और टोटल कितना निकल सकता है इसमें से, चार रिजल्ट आ सकता है, है ना। तो 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, 1/4, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बच्चे ने सही लगाया। अगला प्रश्न तो आपका SW है। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे, एक अलमारी 5% की छूट के बाद इतने में बेची जाती है, तो अलमारी का बाजार मूल्य कितना होगा। तो बाजार मूल्य निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस। बाजार मूल्य ज्यादा होता है आपको पता होगा, और 5% उसमें छूट दी गई है 5225 में, 5% की छूट, तो उसके बाद इतना कम प्राइस हुआ है इसका। तो 5225 का आप 5% निकालिए, है ना, इसका 5% निकालिए कितना होगा, जितना आएगा उसमें फिर से 5225 में उसको जोड़ देना है, तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए 5225 से। देखिए यहाँ पे जितने में छूट के बाद बेच रहा है, उससे पहले बाजार मूल्य तो, जैसे कोई व्यापारी आपको बोलेगा कि हाँ 1000 में ये सारी है, आपको हम 800 में दे रहे हैं, तो मतलब 1000 में ये सारी है, मतलब ये बाजार मूल्य है, तो जो छूट देने के बाद जो दे रहा है उससे तो ज्यादा ही होगा ना बाजार मूल्य, तो ये नहीं हो सकता है 5000। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 5000 का है आपको 5225 में दे रहे हैं, वो तो मार ही खाएगा ना आपसे, 4500 भी नहीं हो सकता, इससे कम तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट से बन गया चौथा ऑप्शन, है ना, बाजार मूल्य हमेशा ज्यादा होता है छूट वाले मूल्य से। तब तो आपको खुशी मिलती है कि इतना महंगा था हमको इतना कम में दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा लेंथ गुने ब्रेथ होता है, बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए, आयत का क्षेत्रफल एरिया। यहाँ पे देखिए, यदि उसकी लंबाई x प्लस 5 है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। अगर उसकी लंबाई कितनी दी है, x प्लस 5, तो उसमें गुना, कोई ऐसी इसमें ऑप्शंस में डायरेक्ट चुनिए ऐसा कोई ऑप्शन जो ये रिजल्ट दे दे आपको, x प्लस 125 ये आ जाए, कोई ऐसी ऑप्शन में चुनिए, तो ऐसा ये दूसरा ऑप्शन में ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5x करके देखिएगा, कट जाएगा, कट के ये आएगा x प्लस 1/25। काफी कम समय है इसीलिए मैं यहाँ पे स्पीड में बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, बट आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, उस घन का आयत ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होता है एक घन का, है ना, एक घन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा ये प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए आप कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 6a² ए यहाँ पे क्या है, वो उसकी भुजा है घन की, तो 6a² किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो 6 इधर जाएगा गुना में, तो भाग में जाएगा, तो 100 कर देगा उसको, और इसका साइड कितना निकल जाएगा, a² बराबर 100, तो a इधर वर्ग में है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल में आ जाएगा रूट अंडर 100, तो ये आपका आपका क्या आ जाएगा 10। अब क्या बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम निकाल लें, यानी कि उसकी आयतन निकाल लें, तो वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला इसका, a का क्यूब, है ना, साइड का घन
इसका घन डायरेक्ट कर दीजिए, तो 10 का घन क्या होगा, 10 का घन 1000 होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन देखिए इसने गलत कर दिया है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाया था एक्सपोनेंट से बनेगा ये प्रश्न, देखिए एक्सपोनेंट से कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे। एक्सपोनेंट में देखिए 3 की पावर 0, कोई भी पावर 100000 पे भी पावर 0 दे देंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और उसमें गुना कर रहे हैं किससे, 5 की पावर 0, तो वो भी 1 होगा, तो 1 और 1 को जोड़ दीजिए तो 2, और उसमें 1 से गुना किए तो क्या आएगा, 2, तो सिंपल क्या ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है ना। कितना सिंपल सा था ये, इंटरेस्टिंग सवाल है प्रश्न नंबर 122, और इसका आंसर मैं चाहूंगा बस समझा देता हूं, आप खुद हल करना। देखिए यहाँ पे, या मैं ही, चलो मैं ही बता देता हूँ। मोनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, चलिए ये इसका स्कूल है यहाँ पे, चलिए स्कूल ऐसा कुछ बना देता हूँ, चलो स्कूल तो लग नहीं रहा है, स्कूल और ये इसका होम है, घर है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 9/10 किलोमीटर टोटल दूरी, तो वह कुछ दूर पैदल चलती है। यहाँ पे मान के चलो मोनी है, मोनी अपने घर से यहाँ पर चलती है कुछ दूर, यहाँ पर चलती है, उसके बाद फिर 1/5 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है, फिर यहाँ से बस पकड़ लेती है और 1/5 किलोमीटर यहाँ से चलती है, तो 9/10 किलोमीटर टोटल है। तो इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल फॉर्म में इसको बदलना चाह रहे हैं, 10 नीचे भी होता तो थोड़ा सा आसानी होता कैलकुलेट करने में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा, टोटल दूरी कितना है घर से मोनी के स्कूल तक, तो 9/10 है, तो इसको भी हम लोग 10/10 रहता तो सिंपल होता है, टोटल जितनी दूरी है घर से मोनी के स्कूल तक उसमें से इसको घटा देते तो ये जितना पैदल चला वो निकल जाता, कितनी दूरी पैदल चलती है। लेकिन इसको निकालने के लिए सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं, 9/10 - 1/5, लेकिन इसको जैसे सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं, गुने दो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, दो दो तो कट ही जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/10 या 1/5 लिखे या 2/10 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9/10 में आप डायरेक्ट माइनस कर दो 2/10, तो आपका क्या आ जाएगा, 7/10, सिंपल सा हो गया, तो 7/10 किलोमीटर पैदल चली, क्यों, क्योंकि टोटल दूरी यहां से यहां तक इतना है और टोटल बस से दूरी इतना चली, तो इस पूरा डिस्टेंस में से इतना घटा दिया तो यही बचेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है ना। अभी तक बने हुए मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, काफी अच्छी बात है, और बने रहिए आपको जरूर फायदा मिलेगा इन सब चीजों का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, यहाँ पे निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, नवीकरणीय का क्या मतलब होता है, जो फिर से दोबारा वापस आ सकती है, पेट्रोलियम तेल नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, प्राकृतिक गैस नहीं होगा, तो भूताप या ऊर्जा ही हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला ये सारे जीवाश्म ईंधन है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है, दूरी और विस्थापन, आपको पता होगा आप मान के चलो यहां से कहीं जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके गए, सचिन दोस्त से मिल लेते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ पे आपका स्कूल है, यहाँ पहुंचे, तो यहाँ यहाँ से पूरा डिस्टेंस ऐसे करके पूरा कर्व के साथ चल रहे हैं, तो ये क्या है आपकी दूरी है ना, दूरी आपने तय किया, लेकिन यहाँ पे विस्थापन डायरेक्ट आपके स्कूल से दूरी कितनी, शॉर्टकट सबसे रास्ता क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट सीधे चले जाएं स्कूल से, मुड़े ना कहीं ना झुके, डायरेक्ट अपने टारगेट की ओर, तो ये क्या हो गया आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए क्या दूरी है, देखिए यहाँ पे दूरी ज्यादा बड़ा होता है हमेशा, दूरी बराबर भी हो सकता है, हो सकता है आप इधर से ही चले गए डायरेक्ट सीधे सीधे, तो दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है, बराबर ऐसे डिनोट किया जाता है बराबर से, तो ये नहीं होगा बराबर भी हो सकता है दोनों, लेकिन दूरी देखिए यहाँ पे हमेशा बड़ा होता है, लगभग लगभग केस में बड़ा होता है या बराबर हो सकता है विस्थापन के, तो लेकिन दूरी तो बड़ा ही होगा ना, दूरी जिधर बड़ा तो इधर ये चिन्ह रहता है, तो दूरी आपका बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है विस्थापन के, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि आपतन कोण एंगल आई तथा परावर्तन कोण एंगल आर हो तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हमेशा बराबर होता है, साइंस का क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे कोई भी लाइट है यहाँ पे आया, ठीक है, तो इसके बीच नॉर्मल रहता है 90 डिग्री पे और फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस चला जाता है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के आपतन कोण, आपतन किरण के बीच में यहाँ पे एक आपतन कोण बनता है एंगल आई और यहाँ पर एक परावर्तन कोण बनता है एंगल आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना इस पे,
इलेक्ट्रॉन, याद होगा आपको, निवेश ऋण आवेशित चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। श्रव्यता परास होती है कितनी, ऑडिबल रेंज कितनी होती है, कितने से कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है इसका। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस ऐसा कुछ होता है, कॉनकेव लेंस है ना, तो कैसा होता है वो, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं, अभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ये सारी चीजें याद करने की चीजें हैं। जल का घनत्व कितना होता है पता होना चाहिए आपको, 10 जल का घनत्व कितना होता है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 129 में इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, ये लॉजिक का सवाल है। देखिए यहाँ पे, देखिए ठोस में पता होगा कि ठोस की कोई भी चीजें हैं तो उसके पार्टिकल्स आपस में करीब करीब होंगे, बहुत करीब, क्लोजली पैक्ड होंगे, और लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ा सा दूर दूर होता है, चलो हाँ दूर है, थोड़ा सा दूर है, गैस में तो एकदम बहुत ज्यादा दूर होता है, ये एक यहाँ है तो एक वहां पे आसमान में, तो निर्वात में तो होगा नहीं, वैक्यूम में तो वो तो चलता ही नहीं है ध्वनि निर्वात में, ठोस में गैस में दूर दूर रहता है, द्रव में थोड़ा सा पास रहता है, लेकिन ठोस में बहुत ज्यादा पास रहता है, तो एक दूसरे से आसानी से ये पास कर सकता है जल्दी जल्दी ध्वनि के जाल को, तो इसीलिए पहला ऑप्शन ठोस में सबसे अधिकतम चाल होगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, अचुंबकीय क्षर एवं चुंबकीय क्षर की अलग अलग पहचान करने के लिए निश्चित परीक्षित बल कौन सी होती है, तो प्रश्न नंबर 131 का आपका दूसरा ऑप्शन विकर्षण बल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के आधा लीटर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया है, मिश्रण का तापमान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के आधे लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया है, तो इसका क्या होगा तापमान, तो इसका सही उत्तर आप लोग सॉल्व कीजिएगा 64 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतन किरण के लिए परावर्तन कोण कितना होगा, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 133 का आपका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 133 का तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है ना, तो आपतन कोण यहाँ पे एंगल आई दिया हुआ है, आपतन कोण एंगल आई 60 डिग्री, तो पता होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण तो इसी के बराबर होगा, 60 ये है तो 60 डिग्री ये भी होगा, तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए इसने गलत कर दिया, इतना सिंपल सा सवाल। प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्यकरण कौन सा होता है, तो मध्यकरंग प्रकाश के वर्ण क्रम में आपको पता होगा स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर होता है, इससे याद रख सकते हैं विब ग्योर, तो इसमें बीच बीच का कौन है, ये देखिए यहाँ पे YOR येलो ऑरेंज रेड और इधर वॉयलेट इंडिगो ब्लू और बीच में क्या दिख रहा है ग्रीन, तो आपका हरा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसने सही लगाया। ये किसका प्रतीक है, ये बैटरी का प्रतीक है और ये थोड़ा सा रहता है ऐसे करके, तो ये सेल का प्रतीक होता है, याद रखिएगा ये। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभांतर का यूनिट वोल्ट होता है, तो प्रतिरोध का क्या होगा, रेजिस्टेंस का शायद ओम होना चाहिए, 136 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देखिए इसने गलत किया है, प्रतिरोध का एम्पियर तो इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना, ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा ऐसे करके, तो प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जब ध्वनि वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो, तो कम से कम 36.6 मीटर दूरी होनी चाहिए, कम से कम अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन तल के बीच में दूरी, ये सब चीजें याद करने की चीजें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूताप ऊर्जा या उपरोक्त सभी, तो ये सारे के सारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, कभी खत्म नहीं होंगे, तो सभी होंगे, वापस आ सकते हैं दोबारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन यानी कि या उसके आकार में चेंज आया या कलर में, तो कोयला का जलना नहीं होगा, दूध से दही बनना ये तो वापस नहीं हो सकता ना, फिर पानी से बर्फ का जम जाना ये तो काफी आसान सा है, पानी से अगर वो बर्फ बन गया फ्रिज में रखे तो फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा, तो ये तो ईजिली मतलब रिवर्सिबल चेंज है, तो मतलब फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला प्रश्न है, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु कौन सी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 140 का दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, चूना पत्थर से CaCO3 आपका होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा कैल्शियम प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, सोडियम धातु का संकेत क्या है,
सोडियम Na से हम लोग डिनोट करते हैं ना, याद रखिएगा। 1 से 20 तक के एलिमेंट के सिंबल याद रख लीजिएगा, 1 से 20 तक के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 से 20 तक के कम से कम परमाणु संख्या के सहित और उसके सिंबल के सहित, उसका संकेत भी याद रहना चाहिए। एल्युमिनियम का आयस कौन सा है इसमें से, तो एल्युमिनियम का आयस किसमें से, प्रश्न नंबर 142 का, Al2O3 और 2S2, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और प्रत्यावित परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज का उदाहरण नहीं है, यानी कि दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल चेंज का उदाहरण नहीं है। और प्रत्यावर्तन यानी कि वो प्रतिवर्तित है, प्रतिवर्तित होना चाहिए, तो दूध से दही बनना का उदाहरण नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए वो, है ना, फिर से आ जाना चाहिए। गुब्बारे को फैलना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना, तो प्रश्न नंबर 143 का आपका दूसरा ऑप्शन गुब्बारे का फूलना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोबारा आ सकता है वापस, है ना, रिवर्सिबल है। लेकिन दूध से दही बना, ये गलत बना लिखी है यहाँ पे, दूध से कहीं कभी आपने सुना है दूध से दही बना लिया फिर दही से दूध बना लिया, नहीं संभव है, तो ये प्रतिवर्तित तो नहीं हो सकता ना। गुब्बारे का फूलना तो हाँ, गुब्बारे फुलाया फिर छोड़ दिया तो फिर वापस अपने स्टेट में आ जाएगा दोबारा, तो परिवर्तित परिवर्तन का उदाहरण ये होगा ना दूसरा ऑप्शन। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21% और 78% याद रखिएगा नाइट्रोजन का होता है सबसे ज्यादा। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, तो ये है आपका वायु प्रदूषण। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, प्रश्न नंबर 146, तो पहला ऑप्शन 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सभी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने और वास्को डी गामा ने भारत की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया, तो पुर्तगाली आया था, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था यहाँ पे अकबर ने, तीसरा ऑप्शन। अकबरनामा किसने लिखा था ये पुस्तक, तो ये लिखा था अबुल फजल ने, पहला ऑप्शन सही है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध आपके 1191 में लड़ा गया था। ये सारे हिस्ट्री के सवाल हैं, इतिहास के, और आपको याद ही करने होंगे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक काफी महत्वपूर्ण है ये ऋग, यहाँ पर ऋषभ देव होंगे, पहला ऑप्शन। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पे हमारे कौन है, कौटिल्य, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रख सकते हैं यहाँ पे मौर्य से मौर्य वंश, ठीक है। लोथल पुरास्थल किस राज्य में स्थित है, तो प्रश्न नंबर 157 का चौथा ऑप्शन गुजरात बिल्कुल सही होगा। सही युग्म चुनिए यहाँ पे इसमें, तो सही युग्म इसमें देख लीजिएगा आप, प्रश्न नंबर 158 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, केवल बी लू स्थानीय पवन है और सभी गलत है, और गलत है यहाँ पे। द्रवित मैग्मो से बने सेल कैसे होते हैं, तो प्रश्न नंबर 159 का आपका अग्निय होते हैं, ये पहला ऑप्शन सही होगा। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं, तो वो बादल होता है या और कुछ, तो ये बादल नहीं होता, ये वर्षा होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 161, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है, तो प्रश्न नंबर 161 का पहला ऑप्शन स्टेलेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस महाद्वीप में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है, एशिया महादेश में, विक्टोरिया मेमोरियल तो कोलकाता में है ना शायद, पहला ऑप्शन एशिया महादेश में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, काफी महत्वपूर्ण है ये, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अब तो और बढ़ गया होगा लेकिन अभी 2011 के अनुसार 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन होता है, तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है कोर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी एक ठंडी जल धारा है, तो प्रश्न नंबर 165 का दूसरा ऑप्शन लेवेंडर की धारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 166 का सही उत्तर हो जाएगा लोहित। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किसमें पाई जाती है, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में तो कभी नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 167 का पंजाब में तो नहीं होगा ना, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि ये दक्कन पठार है ना, दक्कन पठार का ही भाग है, तो महाराष्ट्र में होगा, चौथा ऑप्शन वैसे ही होगा। ग्राम पंचायत चुनाव के अनुसार उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए आपके कम से कम 21 वर्ष का, और
35 वर्ष याद रखिएगा, उसके लिए उम्र होता है राष्ट्रपति के लिए। अस्पृश्यता का जन्म मूल की एक कुछ अनुच्छेद में दिया गया, अनटचेबिलिटी। तो ये अनुच्छेद किस में देखा गया, ये 17 में। कुछ अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, किसी को फांसी की सजा हो रही है तो वो रोक सकते हैं। तो आपका ये अनुच्छेद 72 के तहत। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देश रत्न कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे उस समय? आनंदी बेन पटेल, सही हो जाएगा। जिला में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? तो जिला अधिकारी, पहला, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? संपत्ति का अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 ही मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, याद रखिएगा, अब 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची है? तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 175 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, शिक्षा। लोकसभा के एक वर्ष के कम कितने सूत्र बुलाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 176 का, सत्र कितने बुलाए जाते हैं? 2 बार। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, देखिए यहाँ पे आ गया। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत बार आता है, तो टोटल शायद 12 अनुसूचियां इसमें, बिल्कुल 12 अनुसूचियां टोटल है। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 245। और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो ये आपका उपाधियों का अनंत। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो काबिले तारीफ है, ये काफी लॉन्ग क्लास हुआ है, लेकिन सारे सिलेबस हमने कंप्लीट किए सेट के। तब तक मिलते हैं मैट के पोर्शन के साथ, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और टेस्ट देना ना भूलें।